मैं ठीक हूँ वाल्मीकि। चलो चलो। What happened? सब कुछ छुड़ा ले गया। क्या? सब कुछ छुड़ा ले गया? No. अब क्या करूं मैं? तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें तो तुम गवर्नर की बेटी हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? झूठ क्यों बोला मुझसे? मामा जी, ये बहुत अच्छी लड़की है। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तू उसके साथ मिलकर नाटक करती है, धोखा देती है, नाक कटवा दी। वो तुम्हें पसंद करती है। क्या बोला? मैं तू पसंद करती है मुझे? प्रेम है। मुझ में तुमने ऐसा क्या देखा जो मुझसे प्रेम करने लगी हो? इसे प्रेम नहीं कहते, पागलपन कहते हैं, जवानी का जोश कहते हैं। सर बाजू हटो, ये सैल्यूट किसे चाहिए? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या सोच रहे हो? अरे नजारा क्या देख रहे हो? शूट हिम, ब्लास्ट, ब्लास्ट द बिल्डिंग, गो ऑन, मार, जल्दी करो, खून डालो, और जो पल्लवी, किसी को नहीं छोड़, पल्लवी अंदर है। अरे होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, ओ माय गॉड, मेरी बेटी अंदर है, ओ माय गॉड, अरे मेरी बेटी अंदर है। अरे अनाउंस, अनाउंस करो, अनाउंस करो। मिस्टर शंकर नारायण, हैंड ओवर गवर्नर्स डॉटर, अदरवाइज वी विल ओपन फायरिंग। ये तुम्हारी गलती है, तुम सबके सामने मान लो। चलो, तुमसे प्यार करने के सिवाय कोई गलती नहीं की, तुम्हें पति मान लिया। अच्छा, भगवान ने तुम्हें सपने में आकर कहा था? तुम्हारे गले में जो मोतियों का हार है वही बता रहा है। सुनो, काशी विश्वनाथ का ध्यान करते वक्त मैं गंगा नदी में जब नहा रही थी तभी मेरे गले से निकलकर तुम्हारे गले में आ गया। इसका मतलब शिव जी की महिमा हुई ना? चाहे शिव की महिमा हो, ये शादी नहीं हो सकती। चलो। अरे बेटी पल्लवी, ए मार डालो से। रुको, रुक जाओ सब, स्टॉप स्टॉप। सर आप ये क्या दोस्त दुश्मन के हाथ जोड़ रहे हो? ये हमारा दुश्मन नहीं है, एक सच्चा आदमी। इसके बारे में तुम नहीं समझोगे। मेरी पल्लवी काशी में नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ के चरणों में है, ये मुझे अभी पता चला दोस्त। जाने अनजाने में हमसे यह गलती हो गई सर, आपके लोगों पर हमने हमला किया, नुकसान किया, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा मत कहिए। सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों की शादी करवा दूंगा। बोलिए। असल में मैंने पल्लवी से शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, वो कौन है मालूम नहीं था। वो अनाथ है ऐसा कह के मेरे घर में आई, आज ही इसने मुझे बताया कि ये प्यार करती है मुझसे। तब मैंने कहा कि ये गलत है और आपके पास ले आया। जब प्यार करती है सर आपसे और आपसे शादी भी करना चाहती है, शादी कर लीजिए सर प्लीज। क्षमा कीजिए किशन देव राय जी, मैं नंदिनी की शादी के बगैर अपनी शादी नहीं कर सकता, मेरी जिम्मेदारी है ये। चलता हूं। गणेश, क्या हुआ? गुरुजी, आपकी शादी में नंदिनी अगर रुकावट है तो मैं नंदिनी से शादी कर लूंगा। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मैंने आपका नमक खाते हुए आपको बिना बताए आपकी भांजी से प्यार किया है। मैं आपको बताने की हिम्मत, वो भी मुझसे प्यार करती है। सीतारामाभ्यां नमः, सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः, नवदुर्गा।
इस शादी के बाद मेरी और शंकर नारायण की शादी है, आपको जरूर आना होगा। बेटी, अभी अभी मंगलसूत्र बांधा है, शादी हुई है, इन्हें आशीर्वाद दो। इन दोनों को यहाँ आशीर्वाद देने नहीं आई हूँ मैं पंडित जी। ए वीर मनोहरनाथ, क्या अभी नहीं उठोगे? उठो मंडप से। अरे गणेश, आश्चर्य हो रहा है तुम्हें? ये इस स्नेहलता रानी का भांजा है। मेरे भांजे की मर्जी के बिना ये शादी हुई है, इसलिए ये शादी नहीं। एडवोकेट जी। खामोश। शौकत अली खान साहब, तुम एक बार हाँ कहो शंकर भाई, इन सबको मार मार के इनके शव इस वाराणसी में दफना दूंगा। सॉरी मिस्टर शौकत अली खान, आज ये मुंह नहीं खोलेगा। 100 लोगों को बुरी तरह मिट्टी में मिला सकता है ये शंकर नारायण। सॉरी, ये मिस्टर इंद्र सिंह। आज मेरे सामने चुप क्यों है मालूम है? खुद पूछिएगा मेरे यहां से जाने के बाद। अगर तूने इस गांव में कदम रखा तो तू जरूर मरेगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बेटा, हमारे सामने ऐसे चुप क्यों हो शंकर नारायण? तुम्हारी आंखों के सामने घोर अन्याय हो गया और तुम ऐसे क्यों देखते रह गए? मंगलसूत्र बच्ची के गले में बांध के जिंदगी भर रोने के लिए छोड़ के वो निर्दयी जब जा रहा था तो तुमने क्यों उसको यूं जाने दिया? बोलो बेटा। क्या बात है शंकर भाई, ये माजरा क्या है? मैं कुछ नहीं बता सकता। बताना ही पड़ेगा। जब किसी पर अन्याय होते नहीं सह सकते तुम, तो अपनी जान से प्यारी नंदिनी पर अन्याय होते क्यों देखते रहे? चुप क्यों? जवाब दो, सच्चाई हमें बतानी होगी। मैं बताता हूं। गूंगा वाल्मीकि कैसे बोलने लगा, यह आश्चर्य हो रहा है ना? जिसके वास्ते में आज तक गूंगा हो गया था, उसकी हकीकत मैं बताऊंगा तुमको। आज सब कुछ बोलूंगा। मुझे आज बत्रों को वाल्मीकि,
जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग खुशी से नाचने लगते हैं, जिसका नाम सुनते ही आसमान भी गरजने लगता है, और जिसके नाम से बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है, जिसका नाम सुन के गुंडे मवाली थर थर कांपने लगते हैं, वो इंद्रसेन अपना गांव छोड़कर इस वाराणसी में क्यों आया मैं बताऊंगा। शांताकारं भुजर शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी हृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं। अरे ये क्या खाना अभी तक बना रहे हो, यहाँ भूख से जान निकली जा रही है। ये क्या जीजू, आप तो छोटे बच्चे की तरह। दीदी जीजू तो बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या अभी इस गांव में बारिश हो, जमीन पानी से भीगे, गरीबों के मुंह में चार निवा ले जाए, इसके लिए मेरा छोटा भाई 29 रोज का उपवास कर रहा है, और अब आधा घंटा नहीं रोक सकते। भाई कमाल है, मैं तो बस अपने लिए जीता हूँ, वो जीता है लोगों के लिए। इस प्रजा के लिए जो ये यज्ञ हो रहा है, आज उसका आखिरी रोज है, बस रुकावट के बिना पूरा कर दो भगवान। क्या बहना, हमारे इंद्रसेन जो यज्ञ कर रहा है उसे रोकने की हिम्मत है किसी में? यहाँ शिवनाथ भैया जिंदाबाद, शिवनाथ भैया जिंदाबाद, शिवनाथ भैया जिंदाबाद, शिवनाथ भैया जिंदाबाद, शिवनाथ भैया जिंदाबाद। अरे ये मर्डर करके बाहर आया है, उसको हार पहना रहे हो, गांधी जी जिंदा होते तो अपनी छली से मारते इसको। अगर इसके पैर पकड़ के खींचे तो ये मुसीबत भी टल जाएगी। आइए, नमस्ते अंकल जी, आपके लिए टेलीग्राम। कौन है ये? ये मेरी बीवी का रिश्तेदार है, इसके माँ बाप गुजर गए, मेरे घर बेकार बैठ के खाता रहता है। ये क्या है? इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं क्या? बोल बोल बे। ओए शिवनाथ, नाराज मत होइए, इसमें डियर या सर कुछ नहीं लिखा है, जो कुछ लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। आगे पढ़ बे। तुम जेल में 14 बरस रहे तो गाँव ठीक था, खुश था। गांव की भलाई के लिए बोलता हूँ, तुम गांव में कदम मत रखना। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इस गांव में मत आओ, कहीं और चले जाओ। कौन है वो? तुम्हारा इंद्र कुमार सेन। चलट ठीक है पिताजी, एक बार हाँ कहो बस, गांव पहुंचते तुम्हें वहां खड़ा करके हम तुम्हारे 5 बेटे उसके घर जाके उसका सर काट के तुम्हारे पैरों के पास रख देंगे, फिर इस गाँव में कदम। तूने मुझे पैदा किया है या मैंने तुझे पैदा किया है? तेरे पैदा होने से पहले इस इलाके का मैं बहुत बड़ा शेर था। अम्मी को जलाकर उसके श्राप की तैयारी करो, अभी उसे मार के आता हूं। दीदी आज आपका सुहाग बच गया, अब ये जाने वाला है, बर्थ कंफर्म। भाई रुको, तुम्हीं से कह रहा हूं, पीछे हटो, पीछे हटो, सुना नहीं तुमने? दीक्षित जी सुनिए, आप पूजा ना रोकिए। ओ शिवनाथ, बदला और दुश्मनी का समय नहीं है ये, यहाँ महायज्ञ हो रहा है। किसके लिए कर रहा है तू? अपने बहनों के लिए? तेरे या मेरे लिए नहीं, इस गांव की जनता के लिए। ओ अरे शिवनाथ, इसे भंग करने की कोशिश मत करो, मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। भूल गए, बस से जबान चलाता है तू। इंद्रसेन, तुझमें दम है, ताकत है, तो अपनी मूंछ के बल पर मुकाबला कर। यज्ञ बीच में रुक जाएगा सोच के घबराओ मत बेटा, उस दिन राक्षसों का संहार करके जैसे यज्ञ पूरा किया था श्री रामचंद्र जी ने, वैसे ही आज तुम अपना कर्तव्य निभाओ। जाओ, यज्ञ हम पूरा करेंगे, विजयी भव। इंद्रसेन, गांव में बारिश के लिए यज्ञ करते हो तुम, तूने मुझे जाने के लिए मना किया है, ये बस्ती तेरी है बे। हाँ बिल्कुल, ये बस्ती मेरी है, इसके लिए जान भी दे दूंगा, जरूरत पड़ी तो तेरी जान ले भी लूंगा। जाओ, गांव छोड़ के चले जाओ। जेल में रहने के बावजूद मैं ये समझता हूं कि इस इलाके में सिर्फ मेरी चलती है, तेरी इतनी हिम्मत के तूने मेरे आदमियों को मारना शुरू कर दिया,
मैं जेल में दांत पीस कर रह गया कि कब बाहर आऊंगा और तुझे पीस कर रख दूंगा। इंदौर, तूने मुझे ललकारा है कि मैं इस इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। मैंने भी अगर तुझे शमशान नहीं पहुंचाया तो मैं अपने बाप की औलाद कैसे हो सकता हूं? अपने बाप की औलाद है तू? अपने बाप की औलाद होता तो औरत की आड़ लेकर मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी को क्यों मारता? अपने को बाप की औलाद कहता है तू? अपने बाप की औलाद होता तो इन गरीबों की भलाई के लिए होने वाले इस यज्ञ को रोकता? बाप को बुलाता है बाप को। आज उस बाप के पास तुझे मैं पहुंचाऊंगा, इस बात का ध्यान रख, क्योंकि मैं ही अपने बाप की औलाद हूं। खामोश, इस गांव में सिर्फ एक ही शेर होगा, खत्म करना या खत्म हो जाना, ये हम दोनों के बीच है। मारना इस शेर का काम है और मरना तुझकी तड़का। बड़ी मैंने से समझाया था कि सीमा में कदम मत रखना, क्या हुआ बर्थ कंफर्म हो गई ना? अच्छा होता कहीं अगर ब्रांडी की दुकान लगा लेता तो। उस इंद्रसेन को भी मारकर इसी आग में ही मिला देंगे। बड़े दीदी, क्या है इंद्र भैया? वो पेन कहाँ रखा मेरा? पेन? हाँ जी आ रही हूँ, तेरे जीजा जी बुला रहे हैं, यही कहीं होगा, ढूंढ लो। छोटे दीदी, हाँ? चश्मा रखा था यहाँ, दिखाई नहीं देता। चश्मा? हाँ आ रही हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया, तुम ढूंढ लो, खुद अपना काम कर लिया करो, हमको बहुत काम होते हैं। क्या इंद्रसेन भैया, आज तो कुछ अजीब हो रहा है। गांव की देखभाल तुम करते हो लेकिन तुम्हारी देखभाल कोई नहीं करता। मेरी देखभाल वो जानबूझकर नहीं कर रहे। क्यों? इस घर में वो एक बहू चाहते हैं वाल्मीकि, तभी तो जल्दी से शादी कर लो इशारे इशारे में कह रहे हैं। हाँ इशारे समझ गया तू, हमें बड़ी खुशी होगी अगर तुम मान जाए। hey,
मन मंदिर में तू है, दिल में भी तो तू है। आओ मेरी प्यारी बहन आओ, कितने दिनों से आस लगाए पलकों में बिठा के तुम्हारे लिए सब इंतजार कर रहे थे। हाँ बहन, तू हमारे घर की माँ लक्ष्मी है, अंदर चलो। नमस्ते। ठीक है, चलो चलो। नमस्ते। नमस्ते। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? बच्चे जिद कर रहे थे। नमस्ते जी, किसके बेटे हो तुम? नमस्ते भैया, वीर शंकर नाथ का बेटा है। बेटा, रत्ना, मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरे बेटे को स्कूल ले जाने के बजाय घर क्यों ले आए? अरे इसे तो बहुत चोट लगी हुई है। क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ रतनलाल? देखो बोल, स्कूल में किसी ने मेरे बेटे को मारा? उसका नाम बता, मार डालूंगा उसे। नहीं साहब, बाबा स्कूल के सामने रोड क्रॉस करते हुए जरा फिसल गए। हमारा दुश्मन जिसका नाम याद आते ही हमारी रातों की नींद चली जाती है, उसने मेरे बेटे की जान बचाई, उस इंद्रसेन ने। दुश्मन है तो क्या जी, उसने हमारे बेटे को पुनर्जन्म दिया है, नहीं तो इस वक्त हम सब घर में रोते रहते। हे रत्ना, बात सुन, कल हम रोड पर जब निकलेंगे, हे वीर शंकरनाथ, तेरे मरने पर तेरी अर्थी उठाने वाला तेरे छोटे बेटे को मैंने बचाया था, अगर इंद्रसेन ने ऐसा कहा तो मेरी क्या हालत होगी? जब ये बड़ा होगा तो इसके साथ पढ़ने वाले तेरी जान उस इंद्रसेन ने बचाई ऐसा कहेंगे तो ये प्रहलाद बनके मुझे हिरण्यकश्यप बना के उसे विष्णु भगवान बना देगा, तो नरसिंह बनके मुझे नाखूनों से फाड़ के मार डालेगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे? हमारे दुश्मन ने हमें दान में दिया, ये बेटा नहीं चाहिए मुझे। नागेंद्र, इस शव को ले जाओ और इंद्रसेन के घर के सामने लिटा दो। इस झूठी जान को वीर शंकर नाथ थाली में परोस के बाद फेंक दे, बोल देना उसे जाओ ले जाओ। इंद्र भैया, इंद्र भैया, इंद्र भैया। वीर शंकरनाथ, क्या सोच के तेरा ये नाम रखा तेरे बाप ने? अपने बच्चे को मार डाला तूने। जब मेरे सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं रही तो इस बेचारे बच्चे की जान ले ली तूने। धिक्कार है। बेटा, 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 मेरा बेटा। रुक, मार डालूंगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये छाती में घुसेड़ दूंगा। लो बहन तुम्हारा बेटा। इन हाथों ने तेरे बेटे को बचाया था, इसीलिए तेरा बेटा तुझसे दूर हो गया। मुझे माफ कर दो। नहीं भैया, बेटे को आखिरी बार मुझे देखने नहीं दिया, सोच के रो रही थी मैं। इससे पहले तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई और अब आखिरी बार उसको देखने का सौभाग्य भी तुमने दिया। हाथ जोड़ के तुम्हें प्रणाम करती हूँ मैं। ये क्या, भाभी तो दुश्मन के आगे हाथ जोड़ रही और तुम चुप खड़े हो? ए, तू अपना जोश इन बेचारी औरतों पर मत दिखा। अगर तूने माँ का दूध पिया है तो मेरे सामने आ।
आजा। अरे हाँ कह दे, एक सेकंड में एक सर उड़ा देगा हमारा इंद्र, तुझे देख लेंगे। क्या देखेगा तू? मेरा बेटा मैंने मारा उसे, तुझे इससे क्या? तेरा बेटा? तूने पैदा किया, पेट पर रखा या पाला उसे? सुन रे, तुझे मारूंगा तो माँ पुकारेगा, उसी माँ के दिल में छुरा भोंक दिया। तुम सब भाइयों को सिर्फ तलवार की चोट कैसे होती पता है, लेकिन जब एक माँ के दिल को चोट पहुंचती है, उसके कलेजे को तकलीफ होती है, तो क्या होता है नहीं जानते। पति के मरने पर सुहागन अपना सब कुछ खो बैठती है, मगर बच्चे के मरने पर उसका हाल क्या होता है, कैसे घुट घुट कर रोती है, देखो। इसको इसका बेटा वापस लाकर दे सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं इस माँ को उसके बच्चे की याद दूंगा। देखते क्या हो, शुरू करो। देखो बहन, तुम्हारे बेटे का शरीर तो तुमसे दूर हो गया, मगर आत्मा इस तुलसी के पौधे में है। तुम हर रोज पानी डाल के उसे बड़ा करो, बढ़ते हुए इस पौधे को देखकर तुम्हें तुम्हारा बेटा याद आता रहेगा। और इन पापियों को इनका पाप सोने से पहले, उठने से पहले, खाना खाने से पहले, बाहर निकलने से पहले उस पौधे के आगे हाथ जोड़ना। अगर ये पौधा भूल से भी सूख गया तो तुम पांचों की अर्थी मैं तैयार करूंगा। वीर शंकर नाथ। पौधा है समझ के उखाड़ा तो गर्दन उड़ा दूंगा। ए, कौन हो तुम? बिना बोले अंदर चली आ रही हो? अरे बोलती क्यों नहीं? ए, सुशीला, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठी हो? उठो। ये हमारे इंद्रसेन की कुर्सी है, इस कुर्सी पर हम भी नहीं बैठते। उठो। इतना गौरवशाली है तुम्हारा इंद्रसेन? सर उठा के देखो। जब मैंने कहा उठने को तो नहीं उठी, आप देखो अपने आप उठ गए। हमारे इंद्रसेन को देख के ये लड़की तो क्या भाई, राज्य की कोई भी लड़की हो उसे उठना ही पड़ता है। मैं शिवनाथ की बेटी हो तुम, पूरा नाम स्नेहलता। कैसे पता चला? क्या मेरे फेस में मेरे पिताजी की सूरत छपी है? नहीं, तुम्हारे मुंह पर झलकते हुए घमंड को देखकर। क्यों आई हो? जिसे मैंने चाहा मैं उससे ही शादी करूंगी, ये बोलने आई हूँ। तुम जिसे चाहती हो वो हमारे गांव में, हमारे ही घर में कौन है? तुम। मुझ में तुम्हें क्या पसंद आया? दुश्मन के घर तुम्हारा शेर की तरह आना मुझे पसंद आया। मेरे भाइयों को धमका के तुमने अपनी मर्दानगी दिखाई। और तुम्हारी नजरें मुझे बहुत पसंद आई। ग्रीक शिल्प ने जैसे बनाया ये फिगर पसंद आया। तेरी चाल में एक स्टाइल है, और क्या बोलूं, टोटली तेरी बॉडी में जो कुछ है सब कुछ मुझे पसंद आया। तुम भी तो मुझे पसंद आनी चाहिए। क्या कमी है मुझ में? तुम्हारे सिवा इस दुनिया में किसी से शादी नहीं करूंगी। शर्त मत लगाओ, कुंवारी रह जाओगी तुम। अगले श्रावण के महीने के अंदर तुम्हारे हाथों मंगलसूत्र ना बंधवाया तो मेरा नाम स्नेहलता नहीं। चैलेंज।
क्यों? मेरे स्टाइल को देखकर मुझसे बात करने का मन हो रहा है? अपने घर के रीति रिवाज दिखाना चाहता हूँ। हमारे घर में कोई भी औरत आए तो उसका सम्मान करके ही भेजते हैं। दीदी थैंक्स, इसे मैं आपका शगुन समझ के रखूंगी। हमारी शादी में यही साड़ी पहन के आऊंगी। इंद्रसेन, ये लोग औरत की आड़ लेकर हमसे फिर नाटक खेल रहे हैं, मुझे शक है। अमेरिका से अभी अभी आई है ना, इसलिए इसे उस घर की हवा नहीं लगी है। बहन, तुम किसी फंक्शन में गई थी, हमें बताया नहीं। अच्छा, तुम्हारी भाभियों को न बुला के तुम्हें किसने बुलाया, कौन जानता तुम्हें यहाँ? किसी फंक्शन में नहीं गई थी मैं, इंद्रसेन के घर गई थी। क्यों गई थी तुम? अपनी शादी की बात करने। कोई बात नहीं, मन आया उस पे, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। छी बोल के थूक दिया, अगर हो सके तो तुम उसके पैर पकड़ो, कन्या दान करेंगे बोल के तैयार करके उसे मना किया हो। ये क्या भाई, पिताजी को मारने वाले का सर उड़ा के लाओ, ये कहना चाहिए था इसे। लेकिन वीर बहादुर नाथ, तुम्हारा खून बहुत खौलता है, ध्यान से सुन मेरी बात। हमारी बहन हमारा खून है, वो अपनी बुआ पर गई है, समझा? हाँ भाई, वो बदला जरूर लेगी मगर बिस्तर पे नहीं चढ़ेगी। मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, तुम तो लोगों के लिए पैदा हुए हो, 100 साल जियो मेरे भाई। अंदर क्यों छुपे हो तुम? खेलो खेलो खेलो। कैसे लोग है ये, पीने के लिए घूट पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं वहां पर, और यहाँ लोगों पर बाल्टियां भर भर के पानी खराब कर रहे हैं। कैसा माहौल है, कैसी खुशहाली है, मेरा दिमाग खराब हो गया। एक मिनट साहब, साहब मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई, माफ कर दीजिए मुझे। नहीं बाबा, क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे थे, क्या तकलीफ है तुम्हें? पानी के लिए लोग घुट घुट कर मर रहे हैं साहब। ये क्या, अभी परसों ही तो बारिश हुई थी। सूखी बंजर जमीन है, जितनी भी बारिश हो पानी तो जलते तवे पर गिर के जैसे भाप बन जाता है, वैसे ही इस जमीन पर पानी जमा नहीं हो पाता। साहब, इंद्रसेन जी मिलने आ रहे हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते, आइए आइए आइए, बैठिए। खबर भेज देते तो मैं खुद आ जाता आपसे मिलने, आपने क्यों? मुझे गांव वालों के लिए आना ही पड़ा। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ? सर, बारिश के पानी को जमा करने के लिए इस एरिया में रिजर्वायर बनवाना है, नहीं तो हम गरीबों के आंसुओं को कभी नहीं रोक पाएंगे। इस रिजर्वायर के निर्माण के लिए बहुत पहले ही मैंने गवर्नमेंट से प्रपोज किया, लेकिन वो रुपया मैं दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो लोगों से कहूंगा। प्रॉब्लम रुपयों की नहीं। फिर जिस एरिया में रिजर्वायर बनाने से लोगों को फायदा होगा, वो जगह शिवनाथ परिवार की है, वो बिल्कुल नहीं मानते। मैं तो कई बार उनसे बोल चुका हूँ, लेकिन वो लोग अपने जिद पर बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट क्या करेगी जब ऐसे खुदगर्ज लोग मौजूद हैं, इसलिए हम भी चुप हैं। मैं चुप नहीं रहूंगा, आप शिवनाथ के बेटों को बुलवाइए और गांव की जनता को भी बुलवाने का इंतजाम कीजिए। वो ना माने तो? अगर इस बार उन्होंने मना किया तो सरकार नहीं, मैं खुद ही उनसे निपट लूंगा। कलेक्टर साहब। क्यों कलेक्टर साहब, हमको काम नहीं है क्या? आपने बुलाया तो हम चले आए, कहाँ है इंद्रसेन? है ए, चलो। बैठ जाओ। इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन जिंदाबाद, इंद्रसेन।
कमाल है बॉस की स्पीड, इसको देख के तो हमारे लोग वैसे ही डर जाएंगे। नमस्ते कलेक्टर साहब। अब बोलो कलेक्टर, हमें क्यों बुलाया? आप सब लोग ये जानते हैं कि रिजर्वायर के लिए जगह क्या हम लोग उसे मुफ्त में देने को बैठे हैं? गांव वाले कुछ भी बोले, इन्होंने क्या मुफ्त में काम किया था जो उनको हम अपनी जमीन नहीं दें? मुफ्त में किसने मांगी? आप जितनी भी रकम चाहें बोलिए, मैं दिलवा दूंगा। नुकसान का सौदा, गवर्नमेंट खुद कर्जे में, कब आएगा रुपया हमारा? नुकसान क्या तुम भरोगे? हाँ मैं भरूंगा। बात से हटोगे तो नहीं? आज तक मैंने जो भी वादा किया है वो पूरा किया है। हमारे 1200 एकड़ के बदले में तुम्हें अपना मौसमी का बाग देना होगा। ये कैसे होगा? तुम्हारी बंजर जमीन है और हमारी उपजाऊ है। सही फरमाया, ये तो अन्याय है। सरकारी रेट के हिसाब से, सरकारी रेट के हिसाब से नहीं चाहिए हमें। आपको चाहिए तो बोलिए वरना हम चले। रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। छोड़िए कलेक्टर साहब, ये जो मांग रहे हैं वो मैं लिख के दूंगा, बैठिए। इंद्रसेन सुनो, उस खेत में 200 एकड़ मेरे हैं, मुझे भी उस पर दस्तखत करने हो तो तुम्हारे पुरखों की जायदाद, वो तुम्हारा घर सब मुझे लिख कर देना होगा। लिख के दूंगा। तुम्हारे नाम जो बैरलगंज है वो और चुने की फैक्ट्री सब मेरे नाम करनी होगी, तभी मैं दस्तखत करूंगा, समझे? ओके मैं कर दूंगा, सब कुछ लिख के दूंगा। वीरेंद्रनाथ अब सिर्फ तुम बचे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मेरे पिता को इस गांव में आने से रोका था, तुम अगर इस कागज पर दस्तखत चाहते हो तो तुम्हें इस गांव को छोड़कर बाहर जाना होगा। कृपा करके बैठ जाइए। हमें पानी न मिले कोई बात नहीं, इंद्र भैया आप इस गांव को छोड़कर मत जाइए। इंद्र भैया मेरी और गांवों की बात मानो, तुम इस बात को मत मानना, उनकी बात मान के तुम्हें गांव छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हम और गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो कृपा करके बैठ जाइए। कलेक्टर साहब मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन उस रिजर्वायर का काम पूरा होने के बाद दस्तखत करवाइए। रुको भैया, कलेक्टर साहब इस देश में बेटियों को भी हिस्सा मिलता है ना? जरूर मिलता है, क्यों नहीं बहना। 1200 एकड़ जो है वो सब तुम्हारा ही तो है, जब चाहो तुम्हें दे दूंगा। इसका मतलब मुझे भी इस पे दस्तखत करना होगा? करना होगा। दस्तखत तो मैं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखिए देवी जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है खाली हाथों के सिवा। खाली हाथों को रहने दो, मंगलसूत्र बांधने के लिए। बिल्कुल नहीं इंद्रसेन, ये इनकी कोई चाल है। ये सब भाई मिलके अपनी बहन के आड़ लेकर तुम्हें फंसा रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश है। नहीं भैया नहीं, तुम बिल्कुल भी राजी मत होना। हाँ भैया, दीदी ठीक बोल रही है। जैसा कि मैंने वचन दिया है, इस रिजर्वायर के पूरा होते ही मैं इनसे ब्याह करके इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। कागजात लाओ, दस्तखत कर देते हैं। इंद्रसेन जी, वंडरफुल, आपकी वजह से इस रिजर्वायर के बदौलत इन गरीबों को अब जिंदगी भर कोई दुख नहीं होगा। आपने अपना वचन निभाया। भूल रहे हैं आप, असली बात तो अभी बाकी है। क्यों? आप कल ही सगाई की तैयारियां कर लीजिए, अपने भाइयों से भी कह दीजिए।
नागेंद्र, रुक जा। तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? अरे इज्जत किसे दी जाती है, कुर्सी किसे डाली जाती है, ये भी नहीं जानता तू? मजदूर को कहां, मालिक को कहां बिठाना, ये भी नहीं जानता? इंद्रसेन अच्छी तरह जानता है। उधर चटाई पड़ी, जा डाल दे, वहां बैठेगा वो, जा। जी। इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी? वचन दिया उसे भूल जाऊं? ये तो राक्षसों के घर में देवता आए लग रहा है। इंद्रसेन जी आओ बैठो जी। मैंने जो कहा क्या वो गलत बात है? हम सगाई की रस्म पूरी करने आए हैं, वाद विवाद करने नहीं। जल्दी से मुहूर्त निकलवाइए। इसी समय का तो हम पांचों भाइयों ने मिलकर बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। हमारी बहन को लाओ। आओ बहन। बैठो बहन बैठो। क्या सोच रही हो? पैर पे पैर रख के बैठोगी तो तेरे पैर होने वाले पति की तरफ होंगे, यही सोच रही हो ना तुम शायद? हाँ। ये लोग एक न एक दिन मेरे पैरों पर सर रख के रोने वाले हैं। तुम बैठो बैठो। ये क्या बहना, तुम नीचे बैठ गई? इनसे मेरी शादी होने के बाद मुझको तो बंगले में नहीं रहना है, झोपड़ी में रहना है। वहां कुर्सी नहीं होगी, आदत तो करनी पड़ेगी ना। मुहूर्त निकालिए पंडित जी। शाबाश, तुम अपनी बुआ पर गई हो बहन। पंडित जी। हाँ जी। मुहूर्त का समय बिल्कुल ठीक होना चाहिए जिससे बंधन टूटे ना। हाँ जी, श्रावण में शुक्रवार को सुबह 12:15 का समय बहुत ही अच्छी घड़ी है। नामुमकिन, इनके दिए वचन के अनुसार शादी कल ही होनी चाहिए। कल ही रखिए। मुहूर्त बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, ये समय शादी के लिए उचित नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता, आप कल सुबह का मुहूर्त निकलवाइए। इन्हें बहुत जल्दी है, आप कल ही रखिए। एक मिनट, मुझे इंद्रसेन जी से अकेले में बात करनी है। अभी तो शादी भी नहीं हुई और ये मुझे कमरे में बुला रही है। सुनो, घबराओ मत, ठोकर खा के पछताना आपके वंश में हो सकता है लेकिन उनके वंश में नहीं है। करैक्टर बहुत अच्छा है, आप आगे की सोचो। ए, चल भाग। भाइयों ने कुछ कसर छोड़ दी है क्या जो तुम मांगने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई हो? कुछ मांगना है तो मांगो। तुम्हारे प्राण दो। क्या सिर्फ आप चाहिए मुझे? मेरी बुआ की तरह मैं भी आपको मार दूं, इसीलिए मेरे भाइयों ने मुहूर्त निकलवाया। अमेरिका से आने के बाद मैंने भाइयों को देवता माना। हमारा परिवार आपको दुश्मन समझता था लेकिन तुमने मेरे भांजे को बचाया, मेरे भैया ने उसकी जान ली, तभी तो इन दोनों परिवारों के बीच का फर्क जान गई मैं। आप ये शादी मेरे लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं बल्कि गाँव वालों की भलाई के लिए कर रहे हैं। मैं ये बात जानती हूँ, मुझे आपका प्यार चाहिए। गरीबों के लिए जो प्यार है जरा सा मुझे भी दे दीजिए प्लीज। इसे नाटक मत समझो, अगर आपको शक है मुझ पे अभी इस लगन पत्रिका को। देखो स्नेहा, ये लगन पत्रिका हम दोनों को पति पत्नी का दर्जा दे के बहुत खुशी देगी। हाँ, शादी के बाद तू मेरे साथ करोड़पति की बहन बन के नहीं बल्कि मेरी बीवी बन के आओगी। ठीक है। तुम हमारी इकलौती बहन हो, तुमको हमने भगवान से बहुत प्यार से मांगा था। सबसे छोटी बहन हो तू हमारी, बड़े लाड़ प्यार से पाला है तुझे। इंद्रसेन से हमने जो भी लिखा है तो वो पूरा का पूरा तेरे नाम कर देंगे बहन। तुझे इंद्रसेन के साथ गांव छोड़ने की जरूरत नहीं बहन, मैं देख लूंगा। मेरी बहन आंसू मत बहा,
अपनी आंखों में आंसू मत ला बहन। जाओ बहन, खुश रहो तुम, खूब नाम कमाओ, जाओ। हम्म, जाओ। तुम लोग इतने नाराज क्यों हो? ओ सिंधुसेन के हाथों हमारे पिताजी मारे गए थे, ये भूल गए? ये शादी करने से तो बेहतर है जहर खाकर हम लोग अपनी जान दे दें। मैं शिवनाथ का बड़ा बेटा हूं, बदले के लिए मैंने अपने बेटे को मार डाला था। जो मुंह कहता है हाथ वैसा करता नहीं है, उसका रास्ता वही है, मेरा रास्ता अलग है। तुम सब देखते रह जाओगे मैं क्या करता हूं। ये साड़ी पहन के मैं मंडप में बैठूंगी, मुझे इंद्रसेन ने प्रेजेंट की थी। जब शादी ही तेरी पसंद के लड़के सो रही बहना है, तो वही साड़ी पहन लो। सुनो, तुम कागजात ले आओ। दुश्मन की नजर से बचना। थू थू। नमस्ते इंद्र भैया, उन्होंने ये कागजात आपको दियाने को कहा है। फेंके हुए खाने के कुत्ते आशा करते हैं, इंसान नहीं। सही कहा। अरे हाँ सुनिए जी, दूल्हे को बेंच कार में लाने को कहा है हमारे वीरेंद्रनाथ जी ने। वो भी नहीं चाहिए, ले जाओ। संबंधी ने हमें कार भेजी तो बड़ी खुशी की बात है, उनको मना करके दुख क्यों दे, हम जरूर जाएंगे। चलो ठीक है। अरे रे, तू कहाँ जा रहा है? तू तो मेरे साथ रह, उन्हें जाने दे। तेरी शादी से दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी दूर हो जाए। जाओ मंदिर जाके पूजा करके आओ बहना, तुम लेके जाओ। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? इंद्रसेन शादी के मंडप में आके शिवनाथ के बेटों को मार रहा है। Ugh.
वाली थी ना उससे। भैया भैया सुनो, भैया को अस्पताल ले जाना है, कार लाओ भैया। मेरी मौत से दुश्मनी खत्म नहीं होनी चाहिए। इंद्रसेन के सब रिश्तेदारों को हमारे आदमी क्या करेंगे मुझे पता नहीं। अब तो ये दुश्मनी मेरी है भैया, इंद्रसेन से मैं बदला लूंगी। उस दिन से खून खराबे से दूर और उस गांव से दूर इस वाराणसी में अपने भांजे और अपनी भांजी को लेकर आ गया। पुरानी यादों को भुला के जी रहा है अपना इंद्रसेन। मामूली आदमी बन के रहे तुम, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो माफ करना बेटा। ऐसी बातें मत कीजिए बाजी, मुझे बड़ा आदमी मत बनाइए, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। शंकर भाई, तुम्हारा जवाब नहीं, तुम्हारा जवाब नहीं। कैसी है वो? अब वो बिल्कुल ठीक है, शी इज ऑल राइट। थैंक यू डॉक्टर। उसकी शादी टूट गई है सोच के उसे बड़ा दुख हुआ और इसलिए। नो 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 नो, उसके सुसाइड करने की वजह शादी बिल्कुल भी नहीं है, वो माँ बनने वाली है। डॉक्टर, यस शी इज प्रेग्नेंट। नंदिनी चुप हो जाओ। मामा जी, आपके पालन पोषण में कमी नहीं बल्कि गलती मेरी ही है, मुझे मार दीजिए। इस पेट के अंदर पला बच्चा आपके दुश्मन का है, मार दीजिए। बस कर, अपने बच्चे को मारना ये उस घर की आदत है और दुश्मन के बच्चे को भी बचाना ये हमारे घर की परंपरा है। जब तक तेरा मामा जिंदा है तुझे या तेरे होने वाले बच्चे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। अरे ओ इंद्रसेन, अगर तूने इस गांव में कदम रखा तो तू जरूर मरेगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। गांव में आ रहा है। आने दो उसे, देख लूंगा मैं। जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तुम उसके आने पर आश्चर्य क्यों कर रहे हो?
तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नहीं आओगे सोचा था ना? तुम आओगे हमें मालूम था, यहां तेरी वजह से मेरे पिता ने अपनी जान दी थी समझे। मेरे भाइयों के खून से भीगी हुई जमीन इसी जगह पर खत्म करने के लिए बुलवाया है तुम्हें। काशी में जाकर वो सन्यासी बन गया होगा सोचा था तुमने, वाराणसी में उसने जाकर अपना वंश बदल लिया होगा यही समझा था ना तुमने। वही खून है, वही मर्दानगी है। तुम क्यों भैया उससे खड़े होकर बात कर रहे हो, बैठो। सिंहासन पर बैठने का अधिकार वहां उस इंद्र को है और यहां इस इंद्रसेन को। ये क्या इंद्रसेन जी, इस घर में हथियार लाओगे सोचा था, तुम तो औरतों को लाए हो। न्योता देने और युद्ध करने में बड़ा फर्क होता है स्नेह लता रानी। मंगलसूत्र का मतलब तुम्हें क्या पता, शादी के फेरे तुम्हारे नसीब में नहीं, तुम इसका मतलब क्या समझो? ये सब नहीं मालूम, क्योंकि बालों में फूल लगा के, हाथों में मेहंदी लगा के, शादी का जोड़ा पहन के जिसको मैंने मन से पसंद किया वो आएगा, सोच के उसकी राह देखती रही तो वो मंगलसूत्र बांधने वाला, भाइयों के सर काटने वाला बना तो वो औरत औरत की तरह कैसे रहेगी? उस दिन ऐसा क्यों हुआ, तुमको समझा के, तुमको मना के, इस बार तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांध के तुम्हें अपने साथ ले जाने नहीं आया हूं। पल्लवी जी, इंद्रसेन जी की अभी शादी नहीं हुई, कौन हो तुम, इसकी रखेल हो तुम? इंद्रसेन की रखेल बनना भी तो बड़ी किस्मत की बात है, मेरी ऐसी किस्मत कहां? अगर उनकी छत्र छाया भी मुझे नसीब हो तो बहुत है। क्या देख रही हो तुम? तुम्हारी नजरों से भयभीत होकर जाने के लिए मैं ऐसी वैसी जगह पैदा नहीं हुई हूँ, बल्कि इसी गांव में पैदा हुई हूँ, किशन देवराय की बेटी हूँ, आजकल वो गवर्नर है यूपी के, समझे तुम? लो कुमकुम। शाम को 5 बजे इंद्रसेन की भांजी नंदिनी की चूड़ियां पहनने की रस्म है, आशीर्वाद देने जरूर आना। तुम एक बुलाने वाली, वो एक पतिव्रता औरत, और ऐसे एक फंक्शन के लिए हमें आना होगा, ना आए तो? नहीं आए तो ना गांव में काम रुकेगा और ना ही भूकंप आएगा, और जिसे आना है वो है वीर मनोहर नाथ। अनाथ हूं कह के मेरा भरोसा प्राप्त करके मुझे धोखा दिया, तेरी पहली गलती है वो, प्रेम करके नंदिनी को धोखा दिया तूने, दूसरी गलती है वो। अब तीसरी गलती मत करना, शाम को 5 बजे जिन हाथों से मंगल सूत्र बांधा था उन्हीं हाथों से नंदिनी के हाथों में चूड़ियां भी पहनाना। वो नहीं आएगा? वो आएगा। नहीं आने दिया तो? अगर नहीं आने दिया तो मैं तीनों लोगों के देवताओं को साक्षी मान के तुम सबके टुकड़े टुकड़े करके उसे उठा ले जाऊंगा। मेरे घर आके मुझे मारने की धमकी देता है? ए! तेरे घर में नहीं, बे इस राज्य के किसी भी जिले में आऊंगा, किसी भी गांव में आऊंगा, किसी भी जगह कहे आऊंगा, तू जहां कहे वही कदम रखूंगा। एक बार मारना शुरू किया तो गिनती भूल जाता हूं मैं। ए, देखते क्या हो, रोको इसे। ए, तुम बिना हथियार के आए हो, यहां से कैसे जाओगे मैं भी देखता हूं। हथियारों की जरूरत तुम्हें है, मेरे लिए यही बहुत है, काट दूंगा। ये बात है? हाँ, पलक झपकते ही तुम सबके सर अलग हो जाएंगे। इंद्र, इंद्र से नाम है। इंद्रसेन, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। जीत के लिए या हार के लिए एक ही सेकंड काफी है।
हथियारों की धार और तेज करो, भाले हाथों में ले लो, चाकू और तलवारों की पूजा शुरू करो। आधे घंटे में 12 साल पुराना बदला लेना है। क्या बहन, इंद्रसेन से डर के इसे भी अमेरिका ले जाना चाहती हो तुम? नहीं, इसे तो इंद्रसेन के पास पहुंचा रही हूँ। मेरी बहन को क्या हो गया है आज? क्या हो गया है तुम्हें? सच में जान गई। कैसा सच? यही कि मेरी शादी के दिन तुमने इंद्रसेन की बहनों और बहनोइयों को मरवाया था। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुमसे किसने बोला? मैंने। आश्चर्य तो होगा, उस रोज जब मैं मौत से लड़ रहा था तो मुझे इंद्र भैया ने भगवान के रूप में बचाया और काशी चले गए। और अब इतनी हिम्मत कैसे आ गई मुझ में पता है? मेरे इंद्र भैया ने गांव में कदम रखा है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रुक जाइए। आप उनके बहनों बहनोइयों को अगर नहीं मरवाते तो हमारा सुहाग बना रहता। आज इनको भी विधवा करना चाहते हो तो आपकी मर्जी, कुछ भी करो। स्नेहा तुम जाओ। ए, रुको, क्या हुआ इस घर की औरतों को? आज मार डालूंगा। तेरे बाप पैदा हुई लेकिन मैं भी इसी मिट्टी में पैदा हुई, इसी वंश का खून हूँ। मारना तुझे ही नहीं मुझे भी आता है। चलो। अरे वाह, उन दोनों को पकड़ के मार डालो, गाड़ी निकालो। चलो। निकालो गाड़ी। मेरे आदमी है, कोई अगर लकीर पार करेगा तो चलने के लिए पैर नहीं होंगे, खाने के लिए हाथ नहीं होंगे। चल।
काटते जाएंगे तो जंगल भी नहीं बचेगा, खत्म करते जाएंगे तो मनुष्य का नाम निशान मिट जाएगा। कब तक हम लोग लड़ेंगे और कब तक यूं जाने गवाएंगे? आज से चाकू और छुरियों की लड़ाई बंद करो। मैं चाहता हूं तुम्हारा परिवार खुश रहे। मैं तुम्हारी औरतों को हमेशा सुहागन देखना चाहता हूं। इस गांव में खुशहाली होनी चाहिए। इस इंद्रसेन के कंठ में जब तक प्राण है तब तक ये जमीन पानी की बूंदों से भीगती रहनी चाहिए, खून के बहाव से नहीं। आप लोग सोचिए। काशी वापस नहीं गई? काशी के लिए दो टिकट्स मंगवा ली है मैंने। हमारा प्यार भी तो काशी से ही शुरू हुआ था, फिर वही जाके शादी भी करनी चाहिए हमें। इंद्रसेन, ये साड़ी तुम्हें पसंद है ना? तुमने मुझे प्रेजेंट दी थी, तुम्हें याद है कि भूल गए? हाँ। और ये वही मंगलसूत्र जो तुमने बिना बांधे छोड़ा था, आज ये मेरे गले की शोभा बनने को बेचैन हो रहा है। यहाँ जनता की समस्याओं का सवाल नहीं, अपनी समस्या का सवाल है। देखते हैं नसीब किसका खुलता है। ये उसके बाएं हाथ का खेल है, तुम देखना। ओ। काशी चलो शादी करो। काशी चलो शादी करो। चलो ना। बाहर आइए। मैं आपका ही हूं और आपका ही रहूंगा। कभी कभी नहीं इंद्रा, कभी कभी इंद्रा, तुम्हें कुछ हो गई इंद्रा, इंद्रा।